सनातन धर्म फैला हुआ है वहाँ वहाँ एक हर्षोल्लास का उत्सव है, महोत्सव है, जो लहर है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने चुना है एक ऐसे युग में पैदा होने को जहाँ इतना बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। और मैं तो उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसे आमंत्रित किया गया है। एक आम देशवासी जो आमंत्रित भी नहीं हुआ है वो भी अपने घर में पटाखे जला रहा है, लाइट जला रहा है, दिए जला रहा है। हमारे घर में हमने अपने, मैं तो हूँ नहीं घर में, लेकिन मेरे घर में अभी हमने कल से रात से लाइटें लगवा दी हैं जैसे हम दिवाली में लगाते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और अंदर से थोड़ी भक्ति का भी अनुभव हो रहा है, भावुक भी अनुभव हो रहा है और एक अलग किस्म की एनर्जी ऊर्जा है। आज हम अयोध्या नगरी में आए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी पौराणिक काल में पहुंच गए हों, जहां पे हम लोग सुनते थे अद्भुत कथाएं कि कैसे कैसे बड़े बड़े हवन हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जहां पे देव गंधर्व सारी सृष्टि से जो है वो आया करते थे। उस तरह का ये एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक सा एक एक्सपीरियंस लग रहा है। और जहां तक हम विकास की बात करें, जो योगी जी की सरकार है उन्होंने पूरी काया पलट दी है उत्तर प्रदेश की, क्या हुआ करता था पहले और अब क्या हो चुका है। और आई थिंक ये जो हमारी जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम की, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में विख्यात होने वाली है, डेवलपमेंट को ही ना लेके सिर्फ बट स्पिरिचुअलिटी को लेके। और हमारे जो आइकॉन है रामलला, वो बहुत पूरी दुनिया का जो है मार्गदर्शन करने वाले हैं। जय हिंद। पूरा उत्सव का वातावरण है, इतनी सुंदर नगरी और इतनी सुंदर बनाई है। पुनः एक बार जो प्राचीन गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है रामलला? किस तरह की भावनाएं आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो केवल आस्था है, विश्वास है, पूजा है मन में। दर्शन करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का रामलला के रूप में। वही लता जी का वो गाना याद आता है, बार बार ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो वो इनसेंस, वो प्रेम की मूर्ति हैं, मर्यादा के साथ साथ प्रेम की मूर्ति रहे हैं। रामायण एक तरह से राम और सीता को देखेंगे तो आप, ये लव स्टोरी है कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, है ना। तो वो सारे भाव आ रहे हैं मन में, कमिटमेंट, जो प्रजा के प्रति अपना, राजा का धर्म, ये सारे भाव मन में आ रहे हैं और यहाँ से यही सारी ऊर्जा लेके जाएंगे। बहुत ही सौभाग्य का क्षण है और 550 वर्ष लोगों ने इस पल के लिए प्रतीक्षा की है। 550 वर्ष की बेचैनी, उद्विग्नता, लोगों के अंदर का जो दुख था, क्षोभ था, उसका विपरीतीकरण हुआ है। इसीलिए आनंद का पर्व है और मनोज जोशी जोश में यह परमानंद का क्षण। दोनों ने क्या कार सेवा आप कर रहे हैं? ठीक, मेरे ताऊजी चूंकि सिंधु परिषद के केंद्रीय मंत्री थे तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर, अपनी यामाहा पर बिठाकर आचार्य रामनाथ सुमन पुण्य श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी इसका उन्होंने संचालन किया था, उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था जहाँ रितम्बरा जी बोली थी। वो 10 लाख का ज्वार और उसका गुस्सा, उसकी व्याप्ति देखी थी,
तो आज उन आशाओं का प्रतिफल मिल रहा है। जी थैंक यू। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये थोड़ा प्लीज। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई सौ सालों की प्रतीक्षा के बाद यह दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।